5000 लड़कियों से शादी को लेकर कंफ्यूज था ये शख्स। चैट जीपीटी को सौंपी जिम्मेदारी तो टेक्नोलॉजी ने ढूंढ निकाली हीरोइन जैसी दुल्हन। चैट जीपीटी ने किया ऐसा कारनामा कि बड़े से बड़े डेटिंग एप्स के उड़े होश। 5000 लड़कियों से साल भर लड़का बनकर करता रहा बात, फिर दूल्हे के लिए ढूंढ निकाली परफेक्ट दुल्हन। जो काम करने में लड़के के माता पिता के छूटे पसीने, चैट जीपीटी ने चुटकियों में सुलझा दिया मामला। एक दूसरे से शादी कर बहुत खुश है ये पति पत्नी। चैट जीपीटी नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था, तब से लेकर ये चर्चा में बना हुआ है। हालांकि बीते डेढ़ साल से ये काफी एडवांस हो चुका है। वैसे तो ये कई सेक्टर में अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है। यहाँ चैट जीपीटी ने एक लव गुरु की भूमिका निभाई है और एक व्यक्ति को परफेक्ट दुल्हन खोजने में मदद की है। दरअसल चैट जीपीटी बोट ने एक व्यक्ति को 5000 लड़कियों में से छटनी करके एक लड़की का सजेशन दिया। आज वो व्यक्ति उस लड़की से शादी कर चुका है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये सब पॉसिबल हुआ तो कैसे। बता दें कि चैट जीपीटी ने लड़के की शादी के लिए 5000 से अधिक प्रोफाइल को खोजा, इसके बाद उनका मूल्यांकन किया। बाद में चैट जीपीटी ने व्यक्ति को एक महिला की प्रोफाइल का सजेशन दिया और जब लड़के ने उस लड़की को प्रपोज किया तो उस लड़की ने शादी के लिए भी हाँ बोल दिया आपको बता दें कि ये पूरा मामला रूस का है, जहां एक रूसी व्यक्ति ने दावा किया है कि उसने एआई चैट बोट से लाइफ पार्टनर के तौर पर अपने लिए एक परफेक्ट मैच खोज निकाला है। रूसी व्यक्ति अलेक्जेंडर जदान ने दावा किया कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई चैटबोट ने एक परफेक्ट मैच खोजने में उनकी मदद की है। बोट चैट चैटबोट ने एक महिला की प्रोफाइल का सजेशन दिया और आज वो महिला रूसी व्यक्ति की पत्नी है। अलेक्जेंडर जदान ने ट्विटर पर एक लंबा पोस्ट लिखा है और बताया है कि कैसे चैट जीपीटी बोट ने टिंडर पर 5000 प्रोफाइल में से एक परफेक्ट पार्टनर खोजने में उनकी मदद की। ट्विटर पर किए गए पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि जिसे उन्होंने प्रपोज किया उस महिला से चैट जीपीटी उनकी जगह पर एक साल से बात कर रहा था। दरअसल चैट जीपीटी बोट ने करीब 5239 लड़कियों से बातचीत की, जिस बातचीत के दौरान एक लड़की ने सबसे ज्यादा स्कोर किया। अलेक्जेंडर जदान ने बताया कि साल 2023 के आखिर में उसने करीन को प्रपोज किया और जदान और करीन शादी के बंधन में बंध चुके हैं और एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच बन चुके हैं। दरअसल बता दें कि अलेक्जेंडर जदान ने बताया कि उन्होंने इस कारनामे के लिए ट्रेन कैसे किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि चैट जीपीटी को इस बारे में नहीं बताया था कि मैं कैसे बात करता हूं, इसलिए पहले कुछ परेशानियां सामने आईं। ये बेहद बचकानी बातें करता था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे ऐसे ट्रेन किया जैसे वो खुद बात कर रहे हों। इसके बाद चैट जीपीटी ने लड़कियों के साथ बातचीत शुरू की और आखिरकार उसने अलेक्जेंडर के लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढ निकाला।